दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको LLM के सिलेबस के बारे में बताएंगे। LLM 2 साल की होती है, जिसमें आपको 4 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको LLM के प्रथम सेमेस्टर के बारे में बताएंगे कि प्रथम सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको कितने चैप्टर तैयार करने हैं। अगर आप LLM कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको अपने सिलेबस की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। दोस्तों LLM प्रथम सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, यानी कि विधि और सामाजिक परिवर्तन। आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। इसके अंतर्गत दोस्तों 10 चैप्टर आते हैं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार करना है। पहला चैप्टर का नाम है संघवाद, दूसरे चैप्टर का नाम है राज्य और उदारवाद, तीसरा चैप्टर है समानता का अधिकार, चौथा चैप्टर है महिला सशक्तिकरण, पांचवा चैप्टर है प्रेस की स्वतंत्रता एवं नौवैज्ञानिक विकास। इसके बाद 6वां चैप्टर आता है नए अधिकारों का शासन तंत्र एवं उनके उपचार। इसके बाद 7वां चैप्टर आता है अल्पसंख्यक के बारे में, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान। इसके बाद 8वां चैप्टर है पंथ निरपेक्षता के बारे में। इसके बाद 9वां चैप्टर है शक्तियों का पृथक्करण। इसके बाद 10वां और आखिरी चैप्टर है लोकतंत्री प्रक्रिया। यही 10 चैप्टर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। अगर आपको दोस्तों पिछले 2 साल पुराने पेपर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगला सब्जेक्ट आता है दूसरा कॉम्पिटिटिव क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि तुलनात्मक अपराधी प्रक्रिया। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो आपको टोटल 6 अध्याय एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से तैयार करना है। आप उनके अध्याय के नाम नोट करते जाइए अपने बुक में। पहला अध्याय है न्यायालयों का संगठन एवं अभियोजन एजेंसियां। इसके बाद दूसरा अध्याय आता है विचारण पूर्व प्रक्रियाएं, यानी कि प्री ट्रायल प्रोसीजर। इसके बाद तीसरा अध्याय है विचारण प्रक्रियाएं, ट्रायल प्रोसीजर। इसके बाद चौथा अध्याय आता है सजा के बाद सुधारात्मक कार्रवाई। इसके बाद 5वां है जो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, भारत में अपराध का निवारण। इसके बाद 6वां अध्याय है लोकहित बाद। यही दोस्तों आपको 6 अध्याय एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है तुलनात्मक दंड प्रक्रिया विधि से। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है पेनालॉजी, यानी कि दंड शास्त्र, अपराधियों का उपचार।
इसमें दोस्तों आपको टोटल 8 चैप्टर तैयार करना है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप उनके नाम नोट करते जाइए अध्याय के। पहला अध्याय है प्रस्तावना, दूसरा अध्याय है दंड के सिद्धांत, और तीसरा अध्याय है मृत्युदंड की समस्या, और चौथा अध्याय है दंडादेश के प्रकार, और पांचवा अध्याय है दंडादेश। इसके बाद छठवां अध्याय है कारावास, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर लेना है। इसके बाद सातवां अध्याय मिसलेनियस का आ जाता है, यानी कि विकिरण। इसके बाद आठवां अध्याय है पीड़ित शास्त्र। दोस्तों अपराधियों का उपचार जो आपका सब्जेक्ट है पीनालॉजी, उसमें आपको टोटल 8 अध्याय तैयार करना है। अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।